दस दो जे शुरू करना तो अभी कर लियो अच्छा सारे नो पहला मैं सारे ही प्रेस के अपने वीरां नू पैणां नू थैंक्स करना मेरे वालों तो सर सुखपाल सिंह खहरा जी वालों देखो साडा मनना है कि जिहड़ी नवीं सरकार है जिहनूं आम आदमी पार्टी कहा जाता है ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस जिहड़े NRI-आं दी कोख दे विचों जमी है जमात सारों वध सपोर्ट वर्ल्ड ओवर क्योंकि तकरीबन साढ़ा 65 to 70 लाख पंजाबी पिछले 125 साल सारी दुनिया में जाके वसे बड़े वड़े पैमाने ते 2017 दे विच भी ते विशेष तौर 2022 दी असेंबली इलेक्शंस दे विच इन्होंने हर पास्यों पैसों वालों प्रेस के जरिए फिजिकली इतने आके मैसेजिंग करके टेलीफोन्स से रात दिन करके इस नवी जमात नू मदद की क्योंकि इन्हों का एक स्लोगन सी कि असी रवायती पार्टियां तो वक्ख हो के असी एक बदलाव लेके आवांगे एक बहुत साफ सुथरी गवर्नमेंट लेके आवांगे किसे नाल इहदे विच वितकरा नहीं होएगा ते विशेष तौर NRIs क्योंकि मैनूं पता है बहुत सारे सालों तो क्योंकि असी सियासत दे विच आ पंजाब दे विच जिहड़ी बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन है अज NRI साढ़े वीरां दी भरावां दी साड़ी बच्चियां दी है जिहड़े अज दे दिन भी अपनी गुरुआं पीरां पैगंबरां ते सूरवीरां दी धरती नाल अपना संबंध जोड़ के रखना चाहते यही एक जिहड़ी अज तुहाडे वास्ते स्पैशल तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस असी इनिशिएटिव लिया इंडियन नैशनल कांग्रेस वालों क्योंकि साड़ी मेन ऑपोजिशन जमात है असी चाहते हैं कि यह जिहड़ा केस अज जगराओं वाला केस है तुसी बहुत अच्छी तरह जानते हो खब्बे हथ मेरे सदारनी इंद्रजीत कौर अमरजीत कौर सॉरी सरदारनी अमरजीत कौर जी जिन्हां दी उम्र तकरीबन 77 to 78 साल है जिन्हां दे सारे परिवार नू बाहर वसदियां होया तकरीबन 70-75 साल हो चुके उन्हां दे नाल ही मेरे लैफ्ट एक्सट्रीम लैफ्ट ते सरदारनी साहिबां ने बजुर्ग लैफ्ट उन्हां दी डॉटर लॉ कुलदीप कौर सरदारनी कुलदीप कौर जी जिन्हां दी सारी फैमिली ब्रैम्पटन कैनेडा दे विच है जिहड़ा पंजाबियों का कैप्टन बनिया जाता है परमजीत हसबेंड उन्हां दे हसबेंड मैडम गुरमीत जी दे साहब परमजीत सिंह जिहड़े ओनर ने इस घर दे जगराओं दे विच जिहड़ा घर आम आदमी पार्टी दे MLA सरदारनी सरबजीत कौर जी उन्हां दे कल तक कब्जे विच सी ये मैं समझना एक ऐसे टेस्ट है मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब नू अपील करूँगा भगवंत मान जी तुहाडा ऐसे टेस्ट तुहाडे दफ्तर दे विच भी बहुत सीनियर पोजिशन दे विच तुहाडा मीडिया रन करन वास्ते भी वह लोग बैठे ने जिहड़े इन्हां देशां चों इत्थे आए जिहड़े अपने आप नू NRIs दे रिप्रेजेंटेटिव दसदे कल असी MLA साहिबां दा फोन सुनिया मैं इंटरव्यू सुनी है सॉरी फोन किया उन्होंने इंटरव्यू सुनी जिहदे विच उन्होंने कह दिता कि मैं घर खाली करके जिथे मैं किराएदार सी मेरा परिवार किराएदार सी असी एक करम सिंह जी दे नाम करम सिंह नाँ का जिहड़ा व्यक्ति जिहदे तो असी एक घर किराए ते लिया सी उन्हां नू चाबियां वापस दे दित्तियां ने मैं समझना है बहुत वड्डे पैमाने का एक धोखा होया लुधियाने दे विच पिछले दिन ही एक बहुत वड्डी बैंक डकौटी हुई है जिहदे विच 8.5 करोड़ रुपया
दिन दिहाड़े लुटिया गया। मैं समझना एन आर आई की नज़र नज़र उस तो वड्डी डाका ये डकोइटी नहीं, उस तो वड्डा डाका दिन दिहाड़े उहदे विच ते बंदे लभण दी आइडेंटिटी लभण दे विच चिर लगदा सी। इह ते ओपन एंड शट केस एज ए लीडर ऑफ द ओपोजिशन मैं मंग करांगा भगवंत सिंह मान जी जे तुसीं इनवॉल्व नहीं, तुहाडी सरकार इनवॉल्व नहीं, तुसीं दुध दा दुध ते पानी दा पानी करना चाहते हो ते कृपा करके ना इस फैमिली नूं ना किसे पंजाबी नूं अज तुहाडी एडमिनिस्ट्रेशन ते विशेष तौर ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਮੇਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਲੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਾਗ ਸਟਿਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਓ ਲਾਸਟ ਚ, ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੀਨਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈ ਮਾਈਕ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਹ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾੜਿਆ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਵੀ ਐਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਜੂਨ 5 ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜੂਨ 6, ਉਸੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਤਵਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਿਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ OSD ਟੂ CM, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਐਂਡ ਛੇਤੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਐਂਡ SSP ਨਵਨੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਐਂਡ ਮਾਰਕ ਇਟ ਡਾਊਨ ਟੂ ਮਿਸਟਰ SP DPR, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੀਗੇ
फार्मेसी जेडे को साडी ओरिजिनल कॉपी सीगियां असी उहनां नूं फड़ा दित्तियां। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी को पेश करते हैं भी जी पार्टी इनवॉल्व आ विच इज सर्टी गवर्नमेंट ओके। उन्होंने मैडम खुद नहीं आई, उनके हस्बैंड एंड फोर अदर जेंटलमैन नाल आए थे। असं उन्होंने कहा भी साडी कोठी खाली कर दो, भी साडी जगह है, असं ना सिर्फ किराए दित्ती है, ना मम्मी ने दित्ती है, ना मुड़ किसी ने दित्ती है, भी असं उत्थे रहना है। उन्होंने हस्बैंड कहते भी इदा नहीं होंगे, असं नहीं जाना, सानू टाइम चाहिए। उस वे लगे भी सू भी असं भी कितने रहना, साड़ी जगह आ भी तुम तो जिते मर्जी जा सकते हैं, तुम एम एल ए थोड़ी रहायश फोटो के बच्चे हो सकती है, फैमिली थोड़ी होर आ, और कहते भी नहीं उन्होंने नहीं जाना। वो तो उठ के चल गया। मैं एस एस पी साहब ने कहा भी हम मैं ठीक करा, वो कहते भी उन्होंने बस कुछ नहीं, भी मैं कल आव जस्ट इन केस दे चेंज देर मां। सानू फिर सद्या गया, पूरा दिन असी गड्डी के बच्च वेट करते रह गए। उन्होंने उन्होंने सानू आफ्टर लेट आफ्टरनून तक नहीं बुलाया, वो भी सानू बार बार उन्होंने फोन करने पे, और जो बुलाया भी उन्होंने सानू यह किया वो बच नहीं हो रहे, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। फिर उस बाद असी फिर चल गए। बुजुर्ग दा मतलब असल ओनर है, ये डॉक्टर है परमजीत, लड़का अमरजीत लेकर आ सकता इन्ना टाइम डिले किया जो सोल पेपर तैयार कर सकती है, एंड हम उन्होंने पेश किया। करम सिंह भी हम आया, पहला नहीं आया सेगा। करम सिंह जड़ा है जिलंबर रहने वाला, करम सिंह है जो मैडम का राइट हैंड परसन आ, हरेक फोटो के बच्चों के नाल उन्होंने हसबेंड की उन्होंने रिलेशनशिप हैगी है, पर फिर भी वह कह रही है भी करम सिंह साडा रिलेटिव से। हाँ वो कह रही है भी जी कारोब अटर्नी आने कोई अशोक कुमार आने करम सिंह भेज दी, फिर उन्होंने करम सिंह तो टीक लिया किराए से। उन्होंने मैडम की स्टोरी काफ़ी चेंज होती रही है, साड़ी जी स्टोरी आ कंसिस्टेंट आ, असी झूठ नहीं बोल रहे, पर मैडम हमेशा ही ऑलवेज कुछ ना कुछ उन्होंने स्टोरी चेंज होती रही है। प्रूफ नहीं कर पाई हाले तक, वो टाइम लै रही डिले कर रही है सारा कुछ। हम इस वक्त वो कह रही है भी उन्होंने कर तो कर छता चाबियां करम सिंह को फड़ा दी, हाले कोई डिसीजन नहीं आई भी सच्चे ओनर्स कौन, उन्हें खुद क्यों फैसला लिया। जे सच्ची होंगी एस पी को चाबी फड़ा के जाती भी तुम फैसला करो, इनवैसटीगेशन करो, जेडे सही मालिक है उन्होंने चाबी फड़ा दो। सो हम अभी फिर बेनती करते हैं सारे की प्लीज साड़ी हेल्प करो, मेरी मम्मी की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अपने घर वापस जाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू रेस्ट, हाले तक उन्होंने रेस्ट करने का मौका नहीं मिलया। असी हमेशा ही गड्डिया चा असी जिन्हें भी साढ़े एन आर आई आ बाहर उन्होंने भी मैं बेनती करती हूँ प्लीज तुम आप सारे इकट्ठे हो गए इस गवर्नमेंट में आप कह सकते हैं भी असी इन्नी थोड़ी मदद की थी, और जो साड़ी वाली आती है भी साड़ी भी कोई मदद कर दो। हरेक एन आर आई जो बाहर बैठे आ उन्होंने कहो भी तुम अपनी एरिया के एम एल ए कहो असी थानू तुम कह रहे हो भी एन आर आई से फेवर कर दो, साड़ी हेल्प कर दे, पर साड़ी हेल्प कितने गई, इन्होंने कोई मैंबरस ने किसी ने नहीं साड़ी हेल्प की। सानू सिर्फ यही दसाया गया भी तुम कल आयो, कल नहीं अज नहीं कुछ बनया फिर प्लीज कल आयो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बस वो डिले करते हैं, हम लोग नकली पेपर प्रूव कर की कोशिश करते हैं। नकली पेपर सिर्फ इन्ने बड़ा आदमी कर सकता, रेगुलर परसन नहीं कर सकता, वो भी इन्नी छेती नहीं कर सकते। प्रूफ थोड़े सारे के सामने हैं, दूजे सिग्नेचर्स नहीं मैच हो रहे, डेट्स और छे महीने बाद क्यों कोई पावर ट्रेनिंग दे ना ही जो फोटो उन्होंने कॉपी लाई दी है, इट्स नॉट क्लियर एट ऑल।
ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਡ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈਆਂ ਕੋਰਟਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਆਹ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਅਸ ਵੀਅਰ ਡੈਸਪਰੇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਆਡੀਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ NRIs ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ NRIs ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ NRI ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਈਅਰਸ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸੰਤੁਲਨ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵਾ ਇਹ NRI ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਰਿਟਰੀਵ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ 60-70-80 ਲੱਖ NRI ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਟੈਂਟ ਫੋਰਜਰੀ ਫਰੋਡ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਸੀ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਵੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ SSP ਅਤੇ DC ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਓਨਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ NRIs ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ NRI ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ NRI ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵਾਪਸ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਪਸ ਮੈਂ NRI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੋ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੀ ਹੈੱਡ ਆ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ ਪੀਲੀ ਪੱਗ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਡ ਪਾਵਰ ਟੋਨੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਵਾ ਲੋਪੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪੋ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਆ
अमरजीत कौर बनाई फेक, फिर उस अमरजीत कौर तो एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार किए गए पावर अटॉर्नी दे जो कि असल अमरजीत कौर दे जिहड़े सीगे इस्तेमाल किए गया सारा झूठे सिग्नेचर अटॉर्नी देती अशोक कुमार नू। अशोक कुमार ने फिर अगे दे दी करम सिंह नू रजिस्ट्री कराती है और रजिस्ट्री कराने तो बाद उन्हें कोठी किराए दे दी बीबी अमर सरबजीत कौर माणुको नू बनगी लड़ी झूठी अमरजीत फेक अशोक कुमार अमरजीत कौर बीबी सरबजीत कौर का एक हाथ टोका करम सिंह ओनर बनाता तो कोठी चढ़ गया। ये तो जे तुम सारे मीडिया वाले ना साड़ी मदद करते तो विश्व में बैठे एन आर आई के जेडे इंसाफ पसंद लोग ने वो ना आवाज़ उठाते तो एक कोठी पक्के तौर पर उन्होंने अपनी सरबजीत कौर माणुको ने बना ली सी ऑल्टरेशन करती है दफ्तर का ब्लॉक बना लिया उन्होंने मिनटों मिट्टी सड़क बनाती सारी कॉलोनी में किस बाकी सारी जगह इंटरलॉकिंग टाइल्स लगिया ने एम एल ए साहब की कोठी में सड़क जिहड़ियां पिंडां च 15-15 साल सड़क लिंक रोड्स टुटिया पईयां ने इहदे कोठी में मिनटां सकिंटां दे विच सड़क बन गई। यह तो पक्का कब्जा कर गई सी अंदरों सारी छेड़छाड़ कर दी ड्रॉइंग रूम ला करते बाथरूम पटते ए सी लाते रिपेयर कर दी सब कुछ करता सीगा ताही वह दुख हो रहा उन्होंने उस कोठी छड्डन दा और यह छड्डी नहीं गई हले असल लड़ाई हुण शुरू हुई है। मैं बाजवा साहब को बेनती करूँगा ये साड़ी भी ओपोजिशन का इम्तिहान की घड़ी आ मैं इन्हों का ऋणी हाँ इन्होंने एक आवाज़ के उत्ते इन्होंने कहा आप हरगिज़ मदद करनी उन्होंने लड़ाई असल हुण शुरू हुई है क्योंकि हुण भी पोजैशन सरबजीत कौर का डिफैक्टो पोजैशन सरबजीत कौर का ही है कोठी दे विच करम सिंह का नहीं गा करम सिंह सिर्फ एक हाथ टोका उस लैंड माफिया गिरोह का और दुख इस गल का वा इमान साहब जिहड़े एन आर आई के सोले गाते और मैंने दस्या इन्हों के हसबेंड परमजीत सिंह टोरोंटो रेंदे ने उन्होंने सारे एन आर आई को कट्ठे करके पैसे भेजे ने इस इलैक्शन सरबजीत कौर की इलैक्शन फंडिंग की इन्हों आ सिला देख लो एन आर आई की दे रहा और मान साहब की कहें कि असं अपने बच्चों को वापस मोड़ के लेके आना इतने पंजाब के जॉब्स दवाया आ जॉब्स दवाओगे तुम थोड़ी माँ के बराबर की उम्र की औरत धक्के खा रही है पंजाब कभी डीसी के धक्का कभी एस एस पी के कभी एस पी के कभी डी एस पी के कभी ओ एस टी थोड़े चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के कभी कुलतार संधवा के कोल जब सब दिया जमीर मर चुकी ने सिर्फ चंद पैसों के वास्ते। सो मैं ये कहना चाहना कि यह अमरजीत कौर की प्रॉपर्टी का हमला नहीं गा यह सारे विश्व बैठे पंजाब के एन आर आई की जायदादों के उत्ते वड्डा हमला किया वा इस माफिया ने और इदा का माफिया हर पिंड हर जिला हर सब डिविजन च बैठा वा कभी करी जाएंगे कब्जे तो मान साहब मैं तुम्हें पूछना चाहना फिर कहदे लई खोले ने एन आर आई थाने बंद करो यार कहदे लई खोली एन आर आई की पुलिस का और जो एक सैपरेट विंग बनाया बंद करो उसको अगर कोई एन आर आई की अदालतें चल रही स्पैशल बंद करो उन्होंने बिकॉज दैट इज ऑल एन आई वॉश इट इज ऑल ए इट्स अ फार्स बीइंग प्लेड इन द नेम ऑफ द एन आर आई एन आर आई साल दो साल बाद इतने बुला लेंगे कभी आ कुलदीप धालीवाल होनी बुला लेंगे ने पहला उतो अकाली वाले बुला लेंगे सके अगर सम्मेलन हो रहा जी एन आर आई का चाह पिलाते रसगुल्ले खवाते बर्फी खवा के तोड़ दिता वट अबाउट द प्रॉपर्टीज वट अबाउट द लैंड वट अबाउट द सैल्फ रिस्पैक्ट और जी पहला आई सी एक एन आर आई फैमिली अमृतसर जी सा भैन तुम दस के गई आ दस्ताने तशद्दुद किदा एक शराब का माफिया उन्होंने पैलेस में फंक्शन वड़ के जो उन्होंने कुटमार की तोहीन की एन आर आईज थोड़ा की ख्याल आर दे ओनली मिल्किंग खो काउस सिर्फ पैसे कट्ठे करने वास्ते एन आर आई रखी है। सो मैं बाजवा साहब की गल की सपोर्ट करदा अगर सरबजीत कौर तू सची है चल लिख के दे के मैं इस सारे घटनाक्रम का सी बी आई की जाँच लिए तैयार है असी दवाने बीबी अमरजीत कौरों अर्जी दवावे असी तो चलो जावे इन्हों भेजा कि मैं सरबजीत कौर माणुको को एक चुनौती देना चाहना तुम कहने मैं सची है तेन इन्ना नहीं पता लग्या कि कोठी का टाइटल कौन है वड्डे वड्डे साइन जो झूठे नज़र आ रहे इन्हें तुम्हें मैं कैमरा जूम करके दिखाऊंगा तुम देखियो जरा अन्ना बंदा भी पछाण सकता कि झूठे साइन ने अमरजीत कौर दे लेकिन उन्होंने पता नहीं लग रहा और उन्हें चाबियां किनू दित्तियां ने करम सिंह नू वाई डिड शी नॉट हैंड ओवर द कीज़ टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ जगराओं एंड डिप्टी कमिश्नर तो एस एस पी पुछना चाहना तुम यार सुते पे हो तुम कही जाने रेवन्यू रिकॉर्ड मैं की एस एस पी गल मैं की एस पी गल अखे रेवन्यू रिकॉर्ड चेक करे यार सारा कुछ डिजिटलाइज यार विद इन 5 मिनट्स यू कैन गैट द रिकॉर्ड ऑफ जगराओं इट्स अ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर
मेरी जमीन का मेरे से एफ आई आर दर्ज की 51 साल का रिकॉर्ड कट के रात को 1:40 में एफ आई आर दर्ज हुई भलत पुलिस स्टेशन के इन्हों का रिकॉर्ड लभन 15 दिन लग रहे ने। इतों पता लगता वा कि सारी मिली भुगत माफिया टोटल फ्रॉड फोर्जरी टेंपरिंग ट्रेसपास कोई शब्द निगा जरा इन्होंने नाल नहीं इस्तेमाल किया गया। मैं ये कहना चाहना वा कि अगर तुम नहीं करोगे टाइम से कोठी खाली और परचे नहीं दर्ज करोगे क्रिमिनल केस सब तो परचे बनते हैं इनकलूडिंग द MLA दे विल बी फोर्स टू मूव द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बिकॉज MLA इज इनवॉल्व देर इज अ स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट जस्ट टू डील विद द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द MLAs एंड MPs इट विल गो देयर दिस केस विल गो टू द CBI जेडे तहसीलदार ने किया परचा अटॉर्नी अटेस्ट जेडे पटवारी ने किया जेडे नंबरदार ने गवाही दी झूठी जेडे MLA ने कब्जा किया जेडे करम सिंह ने किया जेडे अशोक कुमार ने किया सब ते परचे दर्ज होणगे दूर हो सकता लेकिन ये बेइंसाफी असी जी इदा छड़ांगे नहीं। और कल मैं बीबी भैन अपनी मन मानुके नूं कहना चाहुंदा यार अपने इन्ना गुस्सा किया कसूर तुहाडा करतूतां तुहाडियां कब्जे तुहाडे चीटिंग तुहाडी ते सारा प्रेस दे मोहरे आण के खहरा खहरा जिन्हें मेरे ते इल्जाम लाए मैं एक एक लाइन च कहना बेबुनियाद झूठे मन घड़त। मेरी चुनौती आ कि चल ऐ कर मेरा भी पा विच ते कोठी दा भी पा विच खहरे दी भी करा CBI जांच ते अपनी भी करा CBI जांच ते ये सारा लिख के दे। मैं अगर मेरी एक इंच भी जायदाद को गलत होगी साडे पिंड विच जिहड़ी साडी जद्दी जायदाद है वो 250 साल पुरानी आ वन ऑफ आवर फोर फादर्स महताब सिंह खहरा वॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रिंक दिस टू ऑन पब्लिक रिकॉर्ड मैं कभी कहना नहीं चाहता कपूरथला स्टेट के महाराजा ने साडे परिवार को 2800 किला जमीन दिती है इन एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी शादीपुर पिंड रामगढ़ पिंड शेर सिंह वाला पिंड सारे साढ़े और साढ़े क्वेश्चन करके तो कितों जमीन आ गई जी जिन्हें भी इल्जाम लाए ने मेरी चुनौती है कि मैं खड़ा तेरे सामने आ ते CBI की जाँच तू भी करवा अपनी क्योंकि आ मेरे को रिकॉर्ड है ये दंगा पीड़ितों के फ्लैटों में रही है मेरे वीरो कहती सी ना मेरे को एक इंच प्रॉपर्टी नहीं गी शी स्टेज इन फ्लैट नंबर 2950 CRPF कॉलोनी दुगरी रोड जिहड़ी के 84 के दंगा पीड़ितों की कॉलोनी है 3 फ्लैट से ये 2950A 2950B 2950C और इस फ्लैट में एक ट्यूशन सेंटर चलाया से विनायका मिशन यूनिवर्सिटी को फेक सी तमिलनाडु की जितों ये घर वाली की डिग्री है उस विनायका यूनिवर्सिटी का ट्यूशन सेंटर फर्जी अपने फ्लैट दंगा पीड़ितों के फ्लैट में चला के बच्चों चीट किया 2020 नवंबर की अमरपाल कौर एक टीचर है वो 3 बच्चों के कोलों 2-2 लाख रुपया डिग्री लैन का तमिलनाडु की जन यूनिवर्सिटी का वो 2-2 लाख रुपया खा गई तो बाद उन्होंने डरा लिया बेचारे कंप्लेनेंट्स को बिठा लिया अज भी पैसे देने और आई विल नॉट बी सरप्राइज जे डिग्री सरबजीत कौर की MA इकनोमिक्स इज ऑलसो फेक आई विल नॉट बी सरप्राइज जी हस्बैंड की डिग्री है सो कॉल्ड MPhil है दैट इज ऑलसो फेक नाउ दैट इज ऑल सबजैक्ट टू इनकुआरी कम ऑन जे थोड़े च जान हैगी आओ पब्लिक डोमेन में आओ तो CBI की जाँच करो फेस मैं करने तैयार हाँ तो तुम भी मोरे आओ बेबुनियाद मन घड़त झूठे इल्जाम लाने तो गुरेज करो कल थ्रेट कर रही थी मैं परचा दर्ज कराऊंगी जिहड़ा मेरे खिलाफ बोलेगा आ करतूत है तुहाडे आम आदमी पार्टियां की जिहड़ा नहीं करेगा मैं डेफामेशन करूंगी शी इज ट्राइंग टू थ्रेटन पीपल की पंजाब की सारी आवाज़ बंद करवाना चाहते ने यह आ नवा जिहड़ा बदलाव इन्हें लेके आए थे सो असी मैं कहना चाहुंदा कि असी इन्हां दी लड़ाई अखीर तक लड़ांगे और लोड़ पई तां हाई कोर्ट 100% मूव करांगे। मैं बाजवा साहब नूं बेनती करूंगा कि वह चंद शब्द मान सिंह खहरा जी ने तो नवी चीज़ भी डोमेन च लैन दी वेखो मानसा मैं तुहानू रिक्वेस्ट करना चाहवांगा तुसी पारदर्शिता की गल बहुत कर रहे साडे साथी ने तो ऑलरेडी CBI की इनकुआरी अपनी ही मंग ली कि आओ कराओ आओ हाँ तुहाडे MLA नूं भी आओ चैलेंज कबूल करिए तो वेखिए पहली बार सर सुखपाल सिंह खहरे का चैलेंज कबूल करो आओ मैदान दे विच आओ मैदान दे विच आओ फिर वेखिए नाल ही खहरा साहब मैं तुहाडी गल नूं सपोर्ट करना मैं सारे NRI भरावां गुजारिश करांगा विशेष तौर कैनेडा
जिन्हें एम पी असी पंजाब चो कली दे ने वध एम पी पंजाबी जेडे ने वो कैनेडा चो 14 मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट पंजाबी जेडे ओरिजिन दे ने वो कैनेडियन पार्लीमेंट मैं गुजारिश करूँगा उतों भी बकायदा तौर मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट क्योंकि उन्हों का सपोर्ट बेस भी पंजाबी उन्होंने पेरेंट्स भी पंजाब के उन्होंने सारे को जायदादा पंजाब के इंग्लैंड बैठे न्यूजीलैंड साडे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने अमेरिका दे विच साडे को सैनेटर्स आए ने सारे एन आर आई भरावां नूं मैं गुजारिश करूँगा वड्डा चैलेंज है तुसीं अपने घर जिहड़े बंद किए ने असीं जलंधर की बाय इलैक्शन च वेख्या तकरीबन 25-30% घर वड्डियां कोठियां ते जंदरे लगे कृपा करके हर महीने 2 महीनों बाद इहदी वेरीफिकेशन करा लो अजे तुहाडे को रिश्तेदार है ने नहीं तो यह ना होए जो साडे परमजीत सिंह टोरंटो वालियां दे परिवार नाल हो रहा उन्हां दे मदर 78 साल की उम्र दे विच इनस्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इल ही इज कमिंग फ्रॉम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ये तुहाडे नाल भी कितने ना मैं नाल ही मान साहब ये भी तुहानू कहना चाहुंदा एन आर आई किहड़े काम नूं बढ़ाया सर कुलदीप सिंह धालीवाल जी वह तो तुहाडे को इसे टेस्ट है बाकी जगह तुम सारे कब्जे छड़ाते फिर दो कहीं ये भी करा के दो बाकी कब्जे तुम छड़ा रहे हो दस रहे हो आओ इतने पहले आ कब्जा ही एक छड़ा के विखा दो सेंड इट टू द सीबीआई आ ही मैं दसना चाहना मैं तुहानू लुधियाने की डिकॉयटी का जिक्र किया कह रहा साहब तुसी इन्ना गुस्सा ना करया करो ये कोई कसूर ही है नहीं आ वेखो जिहड़ा वह फड़िया गया इहदा नाम जी मनजिंदर सिंह मणि लुधियाने की बैंक डिकॉयटी का जिहड़ा मेन आदमी ही इज वन ऑफ द वेरी वेरी एक्टिव लीडर्स ऑफ द आप आदमी ये जिहड़ा एम एल ए है रायकोट का हाकम सिंह उहदा राइट हैंड आदमी आ नीली पग दे विच आ हाकम सिंह जी बिना दस्तार तो खड़े ने चिट्टे कुर्ते पजामे आ नीली पग वाले जिहड़े ने इहो ने जिहड़े उहनां दे राइट हैंड आदमी आ जिन्हां दे सिर दे उत्ते हरे रंग का वह क्रॉस लग्या ही इज द मेन अक्यूज जिहदे कोलों 8.5 करोड़ रुपया तुसीं माता जी अपनी कोठी तुसीं वेखो तुहाडे गुआंढ विच की हुंदा पैंदा इहनां दा पिंड किहड़ा है एक मिनट यह जिहड़ा मनजीत सिंह मणि है इहदा पिंड है जे अबूवाल ते एम एल ए साहब का भी हाकम सिंह हुणी भी जिहड़े ने मेरा ख्याल वह भी हो सकता है उस एरिए रायकोट के एम एल ए ने अबूवाल का आदमी है अबलूवाल अबूवाल 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 वो है ये उन्होंने अपने बयान कबूलिया मनजिंदर सिंह मेरे बहुत ही नेड़े साथी ने आ एक फोटो है जी हाकम सिंह उन्हों की आ पुलिस के जिन्हों गिरफ्तार किया जो मनजिंदर सिंह मणि इज़ ए वेरी प्रोमिनेंट आप लीडर कोई गल नहीं कोई एक तो है नहीं हर हफ्ते कोई ना कोई नवी नवा कोई साथी निकल आता हूँ तो सू शब्दों का भी बड़ा रखना पैंदा आ ने उन्होंने दर्शन करो इन्हों अनमोल हीरिया के दर्शन करो मेरा ख्याल ये शब्द तो कोई यहोजा नहीं होना जो इतराज़ होए आ जी आना तस्वीर लागो वेख लो ये इन्वेस्टिगेटिंग मेरी गुजारिश इन्नी भी है सारे वीर थोड़ा मोटा इन्वेस्टिगेशन करया करो धुप तो है भावें आओ देख लो घर चो इन्वेस्टिगेट करके दोनों के केसिस इन्वेस्टिगेट करो सारी प्रेस असी सारे पंजाबी भाईचारा आप साडा ये मान ने जड़े साडे एन आर आई भरा अज बहुत सारे घर मेरा ख्याल 50% पंजाब च घर जड़े वो एन आर आईज की मदद ना चलते सारे का किसी का नौजवान बच्चा बाहर है किसी के भरा बाहर ने व्याहां शादियों के सारों नूं वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन एन आर आई जिहड़े तुहाडे रिश्तेदार ने तुहाडे भरा ने तुहाडे बच्चे ने वो करते हैं घर की जे अज नवे घर पंजाब च बने ने इट इज़ बिकॉज ऑफ द हैल्प दैट इज़ कमिंग फ्रॉम तो असी तुहाडे तो आस उम्मीद करांगे ते एक मैनू बहुत गल पसंद आई इन्हां दे बेटे की उन्होंने कहा बाजवा साहब सारे पंजाब के वीरां नूं इस गल का यकीन मेरे वल्लों दुआ कि असी यह लड़ाई तोड़ तक लड़ांगे ये लड़ाई पंजाब दे ऑनर की लड़ाई असी चीटेड फील करने असी धोखा महसूस करने वह जमात जिन्हां दी बिना वाकफियत तो असी हर किस्म की सपोर्ट की
वो सीधे आके तुम सानू ही पै गए, तुम सीधे आके साढ़े ना। अच्छा फिर मैं दसो मान साहब ये किड़ी के दूर की गल है जी, अज भी 25 दिन हो गए ने। जे तुसी चाहते विद इन हाफ एन आवर दिस कुड हैव हैपन, तुसी चाबी यही डीसी लुधियाने नू या जगराऊं वाले डीसी नू दो, उन्हें को इन्वेस्टिगेट करते कल सवेर तक जो ओरिजिनल मालक उन्हें चाबी पड़ा दो। ये किड़ा काम है जी, तो जे नहीं तुसी कर सकते फिर CBI नू कला दो। जो साडा अज दा विशेष तौर यह जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस गल कारण असीं आए हैं, वी स्टैंड विद एवरी सिंगल पंजाबी। मैं विश्वास सारे NRI भरावां नूं बाहर बैठे ने विदिन तुहाडे इत्थे सफाई बैठे ने, तुहाडे भरा बैठे ने पंजाब, किसी ना भी कोई ज्यादती हुंदी तुसीं कृपा करके गैट इन टच विद अस, असीं तुहाडी बेखौफ होकर लड़ाई छाती ताण के तुहाडी लड़ाई लड़ांगे, असीं कदी भी तुहानूं लैट डाउन नहीं होण देवांगे। सो इन्ना ही कहिंदा होया मैं आस करांगा पंजाब दी प्रेस कोल कि सारे मेरे वीर ते भैणां जिहड़ियां ने एंड विशेष तौर लेडी जर्नलिस्ट भी इत्थे आईयां ने, वी नीड योर फुल कोऑपरेशन एंड योर सपोर्ट इन दिस केस, जिहड़ा मैं समझना एक टेस्ट केस है फॉर दिस गर्ल। एंड द सूनर मिस्टर मान टेक्स अ डिसीजन इट इज़ बैटर फॉर हिम एंड फॉर दिस गवर्नमेंट ऑल्सो। जिन्ना इहनूं डिले करोगे मान साहब उन्ना ही नुकसान तुहानूं भी ते तुहाडी ये पार्टी नूं होएगा। कई बार जदों आपां घोड़े ते सवार होंने उदों सानू गलतफहमी होंदी, उदों हवा नाल आपां गल्लां करदे जांदे जो घोड़े ते फुल फ्लैश्ड बंदा सवार होंदा ना, बट पता उदों लगदा जो खीर ते जाके घोड़ा जिहड़ा सिर भरने हुंदा ते सवार भी उतों दी थल्ले जांदा ते उदों जो गोडे गिट्टे रगड़े जांदे फिर पता लगदा कि नहीं मैनूं थोड़ा जिहा जदों मैं सवार सी मैनूं संभल के चलना चाहिए। सो घोड़े ते तुसीं सवार हो, संभल के चलो, तूफान नाल ते आंधी नाल गल्लां ना करो। सारी दुनिया के पंजाबी तुहानूं वेख रहे ने, सो इन्ना ही कहिंदा होया मैं तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत मशकूर हाँ। जे कोई तुहाडे कोई सवाल होण ते कृपा करो। मैडम कहिंदे जी दो ते साडे कोल बैठे कब्बे आ। अच्छा उहदा मतलब ये मुद्दा चुकना नहीं सी चाहिए तो फिर इन्हां नूं अपील कर दिंदे कि तुसीं रजिस्ट्री इन्हां दे हत्थ च कर दिओ, इन्हां तोहफा दे दो क्योंकि सैशन आ गया। उहदा मतलब सैशन दे सामने सैशन दे आन दी यह इशू नहीं सी चुकना चाहिए, इन्हां दा टाइमिंग गलत हो गया तुहाडा मतलब ये। अच्छा सैशन ते इन्हां कदी प्रोरोग ही नहीं किया, सैनेट आई रहिंदा जदों कोई मसला होएगा नाले सैशन सद लिया करेंगे, फिर तो किसी का कम ही ना रुक बैठिया करे। सो ये गल्लां आपां छड्डीए। हाँ वेखो वड्डी इस तो कि गल सुखपाल सिंह ने ओपन चैलेंज कबूल लिया, आओ मानू के जी तुसीं भी लिख के घलो हाई कोर्ट नूं, असीं कहिंदे आ कि कराओ जी इस केस की भी। तो सर सुखपाल सिंह ने गल की चीफ मिनिस्टर खुद CBI दे इहदा प्रोब कर सकदा, द गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट टू सेंड दिस प्रोब टू द CBI फॉर फर्दर इनवैसटीगेशन। और जी कोई दसो बारी बारी करके तीन चार बंदे मेरी गुजार। हाँ जी हाँ मैं कहना जी 120% करांगे, करनी क्यों नहीं जी। अजय तो एक मिनट अजय तो होर कई गल्लां जिहड़ियां मैं इत्थे नहीं कर रहा, अजय तो तुम समझ ही गए की अजय होना उत्तर। हाँ वो मैं बेनती है करना चाहना एक सैशन पिछला सद लिया लोटस नू लैके, MLA भी पहुँच गए विजिलेंस, मंत्री साहब सा हरपाल सिंह चीमा जी वो भी पहुँच गए DGP नू मिलन। असी एको गल कही है स्पीकर साहब नू पंजाब दा पैसा तुसी इस्तेमाल किया, करोड़ा रुपये सैशन वास्ते खर्च किए जाने, तुसी ऑपरेशन लोटस का नाम दिता ऐतकी सानू दी रिपोर्ट पेश करो पहले सैशन शुरू होने तो, उहदे ते एक्शन की कीता तुसी पंजाब नू बड़ी वड्डी लंबी चौड़ी स्पीच चीफ मिनिस्टर साहब ने की शुरू दे विच भी अखीर दे विच भी, ये लोटस हो गया जी साढ़े बंदिया नू खरीदन की कोशिश की, इन्ने इन्ने पैसे ऑफर किए, 8-10 MLA दे बयान ले गए, मिनिस्टरां ने जाके DGP को बयान दिते, 12-15 बंदिया ने ना भी दसते BJP के कहड़े कहड़े लीडर ने। सानू दसो किसी FIR दर्ज हुई, किसी की गिरफ्तारी की,
ਅਸੀਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਟੂ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਫਟਰ ਓਬਚਰੀਜ਼ ਓਬਚਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਡੈਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟਿੰਗ ਉਹ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੋਟਰ ਦੇਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਵਨ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂ ਹੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਝੂਠ ਲਿਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਰੋਪ ਲਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਵਾ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਓਪਨ ਟੂ ਐਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਆ ਸਕਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਇਓ ਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਪੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੱਖ ਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹੀ ਪੱਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਰ ਡੋਮੇਨ ਲੈਟ ਅਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ 200 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੁੱਬੀ
चल लास्ट कर हाँ जी साहब ने बीजेपी दिखा रहा है।